मौजूद है मुजफ्फरपुर जंक्शन, और ये देख सकते हैं मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन जिसका स्टेशन कोड MFP है। और हम एक बार फिर से मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन के बारे में बताने आए हैं क्योंकि बहुत दिन हो गया है, कई लोगों का कमेंट भी आया था कि भैया मुजफ्फरपुर के बारे में बताइए, मुजफ्फरपुर फिर से बनने जा रहा है, कहाँ पर कुछ चल रहा है कि नहीं, कंस्ट्रक्शन का काम उसके बारे में बताइए, और मुजफ्फरपुर की एक बार फिर से संपूर्ण रेलवे स्टेशन की यात्रा कराइए। तो हम आ चुके हैं मुजफ्फरपुर जंक्शन पर और आपको यहाँ से मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन की पूरी यात्रा कराएंगे। तो बने रहिए वीडियो में। और ये मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन का प्रवेश द्वार और निकास द्वार दोनों हैं, यहाँ से भी आप जा सकते हैं और वहाँ से भी आप जा सकते हैं। तो काफ़ी भव्य बनने वाला है आने वाले समय में। अभी तो पहले जैसा ही है कि यहाँ पर कुछ बदलाव दिख नहीं रहा है, पहले जैसा ही, अभी धीरे धीरे करके बदलाव होगा, काफ़ी समय लगेगा, लंबा टाइम लगेगा, तब जा कर के मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन एक विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन के रूप में निखर कर आएगा। पैसे उसे निकालना चाहते हैं तो आपको SBI का ATM भी यहाँ पर मिल जाएंगे, जहाँ पर आपको कैश निकाल सकते हैं। यहाँ से भी आप प्लेटफॉर्म की तरफ प्रस्थान कर सकते हैं, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5 सब जगह। यहाँ पर कुल्ली उली भी मौजूद रहते हैं, और जैसे ही आप यहाँ पर आएंगे भारी भरकम सामान लेकर के कुल्ली आपको दबोच लेंगे, है ना, तो आपको कुल्ली के लिए भी सहायता करनी पड़ेगी, यानी कुलियों को पैसा दे करके आप सामान प्लेटफॉर्म की इधर उधर कर सकते हैं। मुजफ्फरपुर जंक्शन से भी आप, यहाँ पर एस्केलेटर लगा हुआ है, यहाँ पर एस्केलेटर लगा हुआ है इस तरफ, और यहाँ से आप 2 और 3 नंबर प्लेटफॉर्म की ओर प्रस्थान कर सकते हैं, 6, 7, 8 की तरफ नहीं कर सकते, ध्यान रखिएगा। और इधर फुट ओवर ब्रिज भी है, तो इससे का इसका सहायता भी ले सकते हैं। चलते हैं प्लेटफॉर्म की तरफ। यहाँ पर यात्री सुविधा केंद्र है, पूछताछ काउंटर, बरौनी गोंदिया खड़ी है 2 नंबर पर गोंदिया जाने के लिए। और इधर की तरफ हम काफ़ी लंबा चौड़ा प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म नंबर 1, इसकी लंबाई बहुत ज़्यादा है। इधर की तरफ प्रतीक्षालय है, यानी वेटिंग हॉल, ठहरने का व्यवस्था, यहाँ पर आप रुक सकते हैं। चार्जिंग पॉइंट भी मिल जाएगा, आप चार्जिंग पॉइंट चार्ज वगैरह करने के लिए। UTS बुकिंग सिस्टम देख सकते हैं, ATVM मशीन है जिसके ज़रिए आप अनारक्षित टिकट बुक कर सकते हैं। सहयोग जिसको नाम दिया गया है पूछताछ काउंटर को, नया नाम सहयोग, यहाँ पर आप ट्रेनों की जानकारी ले सकते हैं और अनारक्षित टिकट बुकिंग इधर से आप कर सकते हैं, यानी कि अनारक्षित टिकट ले सकते हैं किसी भी ट्रेन का। ATVM से टिकट लेने के लिए यहाँ पर कुछ मौजूद रहेंगे लोग, आपको टिकट दे देंगे, रेलवे के ही कर्मचारी है। ATVM अगर यूज नहीं करने आता है तो उनके ज़रिए भी आप टिकट ले सकते हैं, अन्यथा आपको अगर आता है ATVM यूज करना तो आप इस ATVM के ज़रिए अपना इधर से जाना है, सिलेक्ट करिए, ये रेल गाड़ी है आपका, देखिए कौन सा गाड़ी है, बाघ 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 है ना, हाँ वही है, बाघ ही है। गाड़ी कितना बता रहा, पे करना है, पे
हाँ बरेली का ना है बाघ एक्सप्रेस 13-09 का कर दूँगा। कितना रुपया का है? 130 रुपया कर दूँगा। यूपीआई करिए। आप कीजिए ना भाई हो जाते मिल गया। इस तरह से आप बुकिंग कर सकते हैं। जर्नी सिलेक्ट करिए कहाँ से कहाँ जाना है। सोर्स स्टेशन से मतलब सोर्स तो मुजफ्फरपुर ही रहेगा आपको। डेस्टिनेशन सिलेक्ट करना है यानी कि आपको कहाँ जाना है वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद पेमेंट का ऑप्शन आएगा। आप UPI के जरिए पेमेंट कर सकते हैं। इसके बाद आप यात्रा कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा होगा कैसे बुकिंग हुआ है। 6-7 नंबर प्लेटफॉर्म 6-7 और 8 इस तरह का। बरौनी गोंदिया एक्सप्रेस बरौनी के लिए प्रस्थान कर चुकी है। 6 नंबर तो यहाँ पर खड़ी है रक्सौल सीतामढ़ी दानापुर वाली ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे और इधर वैगलाइन। तो आपको यदि पैसेंजर ट्रेनों की यात्रा करनी है अगर पैसेंजर ट्रेन पकड़ना है तो आपको कहीं भी इस रेलवे प्लेटफॉर्म पर भटकने की जरूरत नहीं है। सीधा चले आइए 6-7 और 8। यदि आपको मोतिहारी नरकटियागंज सीतामढ़ी रक्सौल की तरफ जाना है तो आपको इन्हीं तीन पैसेंजर ट्रेन मिलेगी। तो ये काफ़ी लोगों को जानकारी नहीं होता है इस वजह से भटकते हैं। तो मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन में कुछ सेटअप इस तरह से बनाया गया है कि आपको पैसेंजर ट्रेनों के लिए इस दिशा में मिलेगी सिर्फ और सिर्फ मोतिहारी नरकटियागंज सीतामढ़ी वासियों के लिए कुछ दरभंगा वाले वासियों के लिए भी। इस फुट ओवरब्रिज का निर्माण कुछ हाल ही में हुआ है। मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर देख सकते हैं टाइल्स वगैरह भी लगाए गए हैं चमक रहे हैं। तो हाल ही में इस फुट ओवरब्रिज को ऑपरेशनल किया गया है। तो ये 3 नंबर प्लेटफॉर्म और ये 4 नंबर भी अब चालू हो गया है और 5 नंबर भी अब चालू हो गया है। जिस समय हम पिछला वीडियो बनाए थे मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन का उस समय 4 और 5 नॉन ऑपरेशनल था मतलब चालू नहीं हुआ था। अब इसको आम जनता के लिए खोल दिया गया है 4 नंबर और 5 नंबर प्लेटफॉर्म उधर की तरफ भी मानी कि सभी लाइनें अब चालू हो चुकी है। इधर से उतरने के लिए बन गया है लेकिन इधर से उतरने के लिए अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है देख सकते हैं जो दिव्यांगजनों के लिए खास करके बनाया जाता है इस तरह का। तो शायद इधर एस्केलेटर और लिफ्ट के लिए भी कंस्ट्रक्शन तैयार किया जा रहा है और इधर बंद अभी कर दिया गया। इधर अभी चालू नहीं किया गया है। हालाँकि इधर भी कुछ निर्माण वर्माण किया गया है और आपको दिखाते हैं। ये 5 नंबर और ये खड़ी है सप्त क्रांति से। आप उधर की तरफ से यानी कि दक्षिण की तरफ से भी आपको फुट ओवरब्रिज से निकलने का रास्ता मिल जाता है। चलिए हम चल के दिखाते भी है। तो ये आपको नया दिख रहा होगा यही एक न्यूली कंस्ट्रक्टेड है अभी। और ये खड़ी है कोलकाता सीतामढ़ी मुजफ्फरपुर कोलकाता जोगबनी तीनों ही स्टेशन से इस रेक को शेयर किया जाता है। आज कोलकाता मुजफ्फरपुर यानी तिरहुत एक्सप्रेस बनकर चलेगी और कोलकाता सीतामढ़ी यानी मिथिलांचल बनकर चलती है और कोलकाता जोगबनी जो सोम बुध और शुक्रवार को चलती है। इधर की तरफ से भी आप जा सकते हैं प्लेटफॉर्म से बाहर अगर आपको दक्षिण की तरफ से जाना है तो।
लिफ्ट ऑपरेशनल है, चालू है, जा सकते हैं, लेकिन मैं इसका इस्तेमाल नहीं करने वाला हूँ। इधर की तरफ रेल कारखाना है जहाँ पर रिपेयरिंग का काम किया जाता है। इधर भी आना रक्षित टिकट घर है और ये पूर्व मध्य रेलवे का दक्षिण प्रवेश द्वार है। दक्षिण की तरफ से मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन से जाना चाहते हैं तो आपको इस तरह से द्वार मिलेगा, आपको आराम से जा सकते हैं दक्षिणी प्रवेश द्वार। ये अभी एस्केलेटर निर्माणाधीन है जिसका निर्माण अभी चल रहा है इधर की तरफ से। उधर की तरफ से तो यानी कि मेन साइड से तो आपको एस्केलेटर चालू है, लेकिन अभी इधर की तरफ से अंडर कंस्ट्रक्शन है यानी कि अभी चालू नहीं है। तो यहाँ पर इधर की तरफ काफ़ी जगह है मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन के पास और इसी को विस्तार किया जाएगा और भी ज़्यादा। तो इधर की तरफ भूमि पूजन भी हो चुका है और इधर की तरफ कंस्ट्रक्शन का कुछ बेस तैयार किया जा रहा है। अभी ज़ोरदार तरीके से चालू नहीं हुआ है लेकिन धीरे धीरे करके चालू किया जाएगा। तो दोस्तों यही मुजफ्फरपुर जंक्शन का अब तक का अपडेट है और अभी तक आपने जितने भी चीज़ देखे हैं, हमने आपको एस्केलेटर दिखा दिए जो पीछे अंडर कंस्ट्रक्शन है और फुटओवर भी जो हाल ही में चालू हुआ है। तो इस तरह से मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन का जर्नी हमने आपको दिखाया है संपूर्ण विश्लेषण के साथ। जितना भी दिखाया है इसके अलावा और कुछ मौजूद नहीं है इस रेलवे स्टेशन पर। फिर देखिए इस ट्रेन में कुछ हम कुछ है और अभी और भीड़ बढ़ने वाली है इस ट्रेन में। डिब्रूगढ़ अवध आसाम एक्सप्रेस। बाप रे बाप, चढ़ जाएंगे वही बहुत बड़ी बात है। और रेलवे अब धीरे धीरे जनरल बोगी भी कम कर रही है यानी जनरल क्लास के डब्बे भी अब कम कर रही है और इस तरह से यात्रियों को असुविधा हो रही है। देख सकते हैं कोचम कोच है, भीड़ तो भैया इसमें आदमी जाएगा मौत बन करके। पर रखने के लिए जगह नहीं है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा और बताइएगा जरूर कि यह कैसा लगा यह वीडियो। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत।